विधायक खराड़ी ने जयपुर में महापौर व पार्षदों के निलंबन पर आखिर क्या दी प्रतिक्रिया, इसको लेकर करते हैं विधायक बाबूलाल खराड़ी झाड़ोल से बात। दो दिन पहले जयपुर के महापौर सोमया गुजर और अन्य तीन पार्षद कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात को 12 बजे उन लोगों को निलंबित कर दिए। ये कांग्रेस की पुरानी परिपाटी है। 46 साल पहले कांग्रेस के द्वारा इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर मीडिया और सारे नेताओं को रात्रि 12 बजे आपातकाल लगा करके सारों को जेल में बंद कर दिया। ये कांग्रेस की पुरानी परिपाटी है। कांग्रेस का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए पार्षदों को, जनता के द्वारा चुने हुए महापौर को इस प्रकार से निलंबित करना ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के विधानसभा तक आंदोलन करेगी और कांग्रेस पार्टी को, इस सरकार को हम चुनौती देते हैं कि आपके जितने भी इस प्रकार के हथकंडे हैं आप करके दिखाएं। हम आपको सड़कों पे निपटने की हम हिम्मत रखते हैं। आज हम इसीलिए सारे कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के जो इस प्रकार का घिनौना हरकत की है उसका हम विरोध कर रहे हैं।